आज हम लोटस बिस्कॉफ चीज केक बनाएंगे, जो नो बेकिंग रेसिपी है। ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है और इसको बनाने के लिए हमें ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है बिस्कॉफ। मैंने यहाँ पर 16 पीस बिस्कॉफ के लिए हैं। इसको हमें चॉपर में डाल के क्रश कर लेना है। मैंने यहाँ पर 6 इंच 3 के अकॉर्डिंग 16 बिस्किट लिए हैं। इसको हमें एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेना है। आप देख सकते हैं एकदम पाउडर हो चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर लिया है, हमें बटर अनसॉल्टेड ही लेना है। और बटर को हमें 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके मेल्ट करके यूज करना है। टेबलस्पून के हिसाब से ये 3 टेबलस्पून है और ग्राम के हिसाब से 45 ग्राम है। अब हमें इस केक को सेट करने के लिए ऐसा टिन लेना है, जिस पोजीशन में है हमें उसको ऐसे नहीं रखना है। प्लेट को हमें ऐसे निकाल लेना है और इसको हम उल्टा कर देंगे, जिससे कि अब जब हम इसको सेट करेंगे तो जब हम इसको अनमोल्ड करके कट करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने उल्टा रख के टीन को लॉक कर दिया है, हमें ऐसे कर लेना है। इसके बाद हम बिस्किट का क्रम इसमें डालेंगे और इसको हमें सेट कर देना है इक्वली। आप चाहें तो कटोरी की मदद से भी इसको स्प्रेड करके दबा के सेट कर सकते हैं, या ऐसे लकड़ी के दस्ते से भी कर सकते हैं। इसको हमें ऐसे दबा देना है, जिससे कि एकदम सेट हो जाएगा अच्छे से। इसको हमें चारों तरफ से अच्छे से सेट करना है, जिससे कि इसका सरफेस इक्वल रहे। आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब इसको हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। अब इसको हमें व्हीप कर लेना है, स्टिप पिक आए तब तक हम इसको व्हीप करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें स्टिफ पिक आ चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब इसमें हम आइसिंग शुगर या नॉर्मल पाउडर शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करना है और 1 tsp हम इसमें वैनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स करके फिर हम बिस्कुट को स्टार्ट करेंगे। यदि हमने पहले उसको मिक्स नहीं किया तो शुगर हमारा बाहर फैलेगा, इसलिए हम उसको पहले हाथ से विस्क कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 कप क्रीम चीज डालूंगी और इसको हमें दोबारा से विस्क करना है। उसके बाद हम यहाँ पर लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड डालेंगे। 1/2 कप मैं इसमें बिस्कॉफ स्प्रेड डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रीम फॉर्म में ना आ जाए। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से स्मूथ और क्रीम फॉर्म में आ चुका है, हमें इसको ऐसा ही करना है। अब हमारा बिस्किट का क्रम्ब सेट हो चुका है, उसको आप टीन को हम बाहर निकाल देंगे और चीज को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हमें लेवल कर लेना है स्पैटुला की मदद से, या आप ऐसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून बिस्कॉफ स्प्रेड लिया है, जिसको हमें 30 सेकंड माइक्रोवेव कर लेना है, जिससे कि ये मेल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम इसमें डाल देंगे। आपको जितना थिक लेयर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, पर 2 टेबलस्पून से अच्छे से सेट हो जाएगा, हमें इतना ही थिक चाहिए। उसके बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे क्लिंग रैप करके,
जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसको अनमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसको निकालने से पहले हमें गरम टुवाल से इसको साइड में रखना है, जिससे कि वो आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। टुवाल को हमें 30 से 40 सेकंड के लिए ही कवर करके रखना है। मैंने यहाँ पर नीचे एक बाउल रख लिया है, जिससे कि हमारा केक इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। टीन रहेगा ऊपर और ये अच्छे से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से निकल चुका है। इसका थिकनेस हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 बिस्कॉफ को क्रश कर लिया है। इसके ऊपर हम कोट करेंगे ऐसे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अब इसको अब हम कट कर लेते हैं। हमें कट करने के लिए इसको सेम एक ही डायरेक्शन में नाइफ को निकालना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो चीज हमारा ऊपर की साइड आएगा और केक क्लीन नहीं लगेगा। इसको हमें नाइफ को ऐसे सीधे ही बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे सीधे ही निकालूंगी। ऐसे हम इसके पीसेस बना लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके सारे पीस अच्छे से कट हो चुके हैं। अब 2 बिस्कॉफ हम ऐसे सेंटर में रखेंगे। बिस्कॉफ चीज केक को ठंडा ही सर्व किया जाता है। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर निकला है। इसको हमें ऐसे पकड़ के प्लेट में सर्व कर लेना है। इसके सारे एजेस एकदम क्लीन निकले हैं, हमें ऐसा ही चाहिए। इसको मैं कट करके भी बताती हूँ कि बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।